नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। करेंट्स अफेयर्स नवंबर सेकेंड वीक। नंबर एक, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? ए किंग्स इलेवन पंजाब, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी राजस्थान रॉयल्स, डी मुंबई इंडियंस। इसमें ठीक डी मुंबई इंडियंस है। नंबर दो, हाल ही में किसे दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष चुना गया? नंबर ए अमृपाल, बी दिनेश गौतम, सी शशि खन्ना, डी वरुण गोपाल। इसमें सी सही है, शशि खन्ना। तीन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया? ए एस के चौधरी, बी एम एम कुट्टी, सी ए के निगम, डी आर पी मीणा। इसमें बी ठीक है, एम एम कुट्टी। चार, कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO बने? ए राकेश कुमार सिंह, बी अक्षय कुमार सिंह, सी मनीष सिंह राजपूत, डी आकाशप्रीत देवगोड़ा। इसमें बी सही है, अक्षय कुमार सिंह। पांच नंबर, हाल ही में किसने JCB साहित्य पुरस्कार जीता? ए के राव, बी आर सियोदा, सी यस हरीश, पी सत्यनारायण। इसमें सी सही है, यस हरीश। सिक्स, कौन व्यक्ति हाल ही में HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO बने? ए अविनाश पाठक, बी सुरेश जगवाल, सी ताराचंद सिंह, डी रमेश लक्ष्मी नारायण। डी सही है, लक्ष्मी नारायण, रमेश लक्ष्मी नारायण। सात, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को अथवा डी 13 नवंबर को। इसमें 8 नवंबर सही, 8 नवंबर को मनाया जाता है। नंबर आठ, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? ए डेमिनिक थीम, बी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, सी डेनियल मेडवेडेव, डी जिमी कॉनर्स। इसमें सी सही है, डेनियल मेडवेडेव। नौ, कौन व्यक्ति हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के नए संरक्षक बने हैं? ए रिंकी पोर्टिंग, बी माइकल होल्डिंग, सी कुमार संकारा, डी सचिन तेंदुलकर। इसमें बी सही है, माइकल होल्डिंग। नंबर दस, किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम और सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। बी इसमें सही है, अरुणाचल प्रदेश। नंबर ग्यारह, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? ए मोनिका सिंह, बी गीता डेविड, सी कमला हैरिस, डी अलका ओलिविया। इसमें सी सही है, कमला हैरिस। 12, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? ए हिलरी क्लिंटन, बी मार्टिन जोसेफ, सी रॉबिन चार्ल्स, डी जो बाइडेन। इसमें डी सही है, जो बाइडेन। 13, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? ए फरहान अली, बी अरिंद्र जोजीरेन, सी ज्ञानेंद्रो निम्बोबम, डी रमेश तंवर। इसमें सी सही है, ज्ञानेंद्रो निम्बोबम। 14, हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसे JC डेनियल अवार्ड 2020 दिया गया? जयराम मोहनलाल, हरिहरन दिलीप। हरिहरन सी सही है। 15, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। बी हरियाणा। 16, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फराज खान का निधन हुआ है, वह थे अभिनेता, लेखक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक। ए अभिनेता थे। 17, प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूक दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को, 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, 7 नवंबर को। इसमें सी सही है, 5 नवंबर को। 18, कौन व्यक्ति हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के नए अध्यक्ष बने हैं? ए अल्बिरो क्लार्क, बी जेम्स किन,
सी रायली फेरिस, डी ड्यूआर्टे पेचेको। इसमें सी से डी सही है, ड्यूआर्टे पेचेको। 19, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी हरियाणा। इसमें ए सही है, बिहार। 20, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? ए वेस्टइंडीज, बी जिम्बाब्वे, सी केन्या, डी श्रीलंका। ए सही है, वेस्टइंडीज। 21, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? माधुरी चोपड़ा, ए गीता चौधरी, बी सी रेणुका प्रसाद, डी प्रियंका राधा कृष्णन। इसमें डी सही है, प्रियंका राधा कृष्णन।